चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन खास तौर पर चंडीगढ़ के अपने लोगों में इसके प्रति जागरूकता थोड़ी कम है। इस वजह से ही चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी विदेशों में हो रही है और आज भी होती है। आखिरी नीलामी अभी कुछ दिन पहले 29 जनवरी को पेरिस में हुई है, जहां करीब 58 लाख में पंजाब यूनिवर्सिटी का एक टेबल बिका है। हम आपको चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर की पूरी ABCD बताएंगे और इस बारे में आपको चंडीगढ़ हेरिटेज प्रोटेक्शन सेल के सदस्य अजय जग्गा और चेयरमैन मनोज परीदा से की हुई बातचीत का एक हिस्सा भी दिखाएंगे। मनोज परीदा वही हैं जो चंडीगढ़ के एडवाइजर भी हैं और हेरिटेज प्रोटेक्शन सेल के चेयरमैन भी हैं। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि जिस हेरिटेज की चर्चा इतनी ज्यादा होती है, दरअसल वो है क्या और चंडीगढ़ में कौन कौन सी चीजें हेरिटेज की श्रेणी में आती हैं? आर्किटेक्ट जिन्होंने शहर बनाया उनका नाम था मॉनली काबूजियर। मॉनली काबूजियर के कजन थे पेरे जॉनरे के नाम से हम उनको जानते हैं। उन लोगों ने चंडीगढ़ का बहुत सारा फर्नीचर बनाया और फर्नीचर के अलावा काफी और भी सामान भारतीय सरकार के मुताबिक डिजाइन कर दिया। फर्नीचर के अलावा उसके पास मैन होल कवर्स आते हैं जो कास्ट आयरन के बनते हैं। इसके अलावा फुट लैंप्स आते हैं। इसके अलावा कंक्रीट लाइट फिक्स्चर आते हैं जो सुखना लेक पर लगे रहते हैं। और इसके अलावा कुछ लोहे के पल्ले हैं जो विंडो क्लोजर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं और आप पंजाब यूनिवर्सिटी या PGI के अंदर देख सकते हैं। वो आपको बड़े बड़े 10-15 फीट लंबे मिलते हैं। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि चंडीगढ़ का हेरिटेज फर्नीचर और हेरिटेज आइटम क्या है, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये हेरिटेज आइटम्स या हेरिटेज फर्नीचर हैं, तो ये विदेशों में जा कैसे रहे हैं? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, चंडीगढ़ प्रशासन ने ही कुछ साल पहले इन हेरिटेज आइटम्स को बेच दिया था। 2014 में चंडीगढ़ से ही कुछ लोग सामान, विदेशी व्यक्ति यहाँ से सामान ले गए और वो लेके गए गैर कानूनी तरीके से। यहाँ तो शायद उन्होंने पैसे दे के उसको खरीद लिया, यहाँ तो उन्होंने कहा कि आपके स्टोर में कूड़ा करकट पड़ा है, हम आपको इसका एक अमाउंट देते हैं, आप हमें दीजिए। तो यहाँ लोगों ने सोचा भी ये बेकार पड़ा हुआ है, इसका क्या है, तो उन्होंने उसको दे दिया और वो सामान वो ले गए। लेकिन वो गया तो 2011 के प्रतिबंध के बाद है, तो अब वो चला गया, अब वो बिखर गया, पता नहीं 400 पीस थे 500 पीस थे, वो यहाँ से चला गया, कस्टम्स में भी किसी ने चेक नहीं किया और निकलता गया और वो जाकर अब विदेशों में सारी दुनिया में फैल गया और बिक रहा है। चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर और हेरिटेज आइटम्स की बिक्री पहले ज्यादातर यूरोपीय देशों में होती थी, लेकिन बीते 1-2 साल से ये ट्रेंड बदल गया है। अब दुबई और अमेरिका जैसे देशों में भी ये हेरिटेज की ऑक्शन हो रही है, बल्कि विदेशों में ही क्यों, इंडिया के मुंबई में भी कुछ साल पहले चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर की बिक्री हुई थी। अब आपको बताते हैं कि ये चंडीगढ़ से फर्नीचर वहाँ पहुँचते कैसे हैं और ये खेल चल कैसे रहा है। पिछले साल नवंबर महीने में क्राइम ब्रांच ने पंजाब यूनिवर्सिटी से हेरिटेज कुर्सियां चोरी करने वाली महिला, बढ़ई और कबाड़ी को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से टीम ने करीब 35 हेरिटेज कुर्सियां बरामद की थी। जांच में सामने आया कि बढ़ते मांग के आधार पर पसंदीदा हेरिटेज फर्नीचर को चोरी किया जाता है। चोर फर्नीचर को कबाड़ियों के हाथों सस्ते दामों पर बेच दिया करते हैं और फिर कबाड़ी बढ़ई की मदद से इन फर्नीचर को नया रंग रूप देते हैं। इसके बाद दलाल कबाड़ी से संपर्क कर फर्नीचर को महंगे दामों में खरीद कर दिल्ली व मुंबई के एयरपोर्ट तक पहुंचाकर विदेश भिजवा देते हैं, जहां बोली के हिसाब से चोरी के फर्नीचर को बेच दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि चंडीगढ़ में ये खेल कैसे हो रहा है, तो आपको अब ये भी जानना चाहिए कि चंडीगढ़ प्रशासन इस खेल को रोकने के लिए और अपनी विरासत को बचाने के लिए क्या कर रहा है। कोशिश ये करेंगे कि इसको अगर हम एक पेटेंट वगैरह बना दें ताकि इसका डुप्लीकेट लोग बना नहीं सके। हर आइटम को हमने एक कमेटी बनाया है, उसका आइडेंटिफाई करके, नंबरिंग करके, रिकॉर्डिंग करके, डिजिटल हमें एक रिकॉर्ड रहे या मास्टर लिस्ट रहे, ये भी एक कमेटी ऑफ ऑफिसर्स बना गया है। होपफुली हम सक्सेस करें। ऐसे जो ओरिजिनल पुराने फर्नीचर कुछ हमारा यूनिवर्सिटी में पुराने ऑफिसर्स में सेक्रेटरीट वगैरह में था, हमने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किए है कि उसको कैसे हम रिस्टोर कर सकें, उसको हम एग्रीमेंट करके अभी कोरोना के वजह से लोग रुके हुए, उनका टीम आके हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे और हम उसको चलाएंगे। कुछ तो फर्नीचर अभी हमारा म्यूजियम में है, मगर अभी जो हम एक एंटिक कार म्यूजियम बना रहे हैं उसका फर्स्ट फ्लोर में भी हम एंटिक फर्नीचर म्यूजियम बनाएंगे, जिसमें कि ये जो सारा अबैंडन फर्नीचर है उसको रख सकते हैं। सवाल है कि क्या अभी भी चंडीगढ़ का हेरिटेज फर्नीचर वो आइटम विदेशों में जा रहा है?
चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी इस पर कहते हैं कि अब जागरूकता फैल गई है और अगर अब कोई इन फर्नीचर को बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो वह पकड़ा जाता है। हालांकि कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि तस्करों की नजर अभी भी चंडीगढ़ के हेरिटेज आइटम पर गड़ी हुई है। हालांकि हम तो उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ की विरासत सुरक्षित रहे, इसीलिए तो ये वीडियो बनाई है। अगर आप पूरी वीडियो देखकर यहां तक पहुंचे हैं तो आपका शुक्रिया। मैं ऋषुराज सिंह आपको अगली बार किसी और टॉपिक पर मिलूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।